विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाक़े राजेंद्र नगर पिलर नंबर 254 पर बतारीख 24 फरवरी तक मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का अहतमाम जारी व सारी है। कैंप के तीसरे दिन भी हल्के असम्बली याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जारी मेगा हेल्थ कैंप के मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर हिदायतुल्ला खान की मौजूदगी में 2 नए ऑपरेशन थिएटर यूनिट का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया। तीसरे दिन भी हजारों मरीजों ने दवाखाना पहुंचकर अपनी मुफ्त तशखीस और अद्वियात हासिल की। दवाखाने की तीसरी मंजिल डॉक्टर सोहेबा शुकुर MBBS DGO मास की निगरानी में काम कर रही है। इनके हमरा मजीद 6 तजुर्बेकार लेडी डॉक्टर्स की भी खिदमत यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। इस शोबे में काफ़ी ज़्यादा असरी आलात से लेस मशीनरी का इंतज़ाम किया गया है। मादर रहम में बच्चे की नशोनुमा और इसकी जिस्मानी व जहनी हालत के मुतालिक जांच का भी नज़्मूम है। हॉस्पिटल का लेबर रूम इंतहाई असरी तकाजों से लेस है, जो कि एंड डिलीवरी और ऑपरेशन से कबल किसी भी किस्म की पेचीदगी का पता लगाया जा सकता है, जैसे ओनल का छूट जाना, ओनल का नीचे हट जाना, पानी का कम हो जाना, बच्चे की हरकत कल्ब कम हो जाना, जुड़वा बच्चों का होना वगैरह वगैरह। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में भी 24 घंटे लेडी एनेस्थीशियाई डॉक्टर मौजूद है। दवाखाने में शोभा गायनोकोलॉजिस्ट को इंतहाई तकाजों से लेस किया गया है और एडवांस अल्ट्रासाउंड मशीन नस्ब की गई है। बच्चेदानी और रसोली निकालने का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी के जरिए किया जाता है। बैन अलावामी तर्ज पर ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, जिसमें हैपा फिल्टर्स भी लगाए गए हैं, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दवाखाने की तीसरी मंजिल पर सेंट्रल इंस्टालाइजेशन डिपार्टमेंट कायम किया गया है, जिसमें ETO सिस्टम भी मौजूद है। ये तीसरा फ्लोर सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए खसूसियात के साथ मख्तस किया गया है। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि पिलर नंबर 254 जो हसन नगर की तरफ जो रास्ता जाता है, यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हुआ। मीना हॉस्पिटल जो अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे ही इनाग्रेशन हुआ, डॉक्टर हिदायतुल्ला साहब ने ये महसूस किया अतराफ व अकनाफ के जितने भी लोग हैं, क्यों ना 1 वीक के लिए फ्री इन लोगों का कैंप रखें, जिसके अंदर न सिर्फ कंसल्टेंसी फ्री है बल्कि उनके जितने भी लैब टेस्ट हैं वो तमाम के तमाम फ्री है, और जो भी आँख का जिसको प्रॉब्लम है उनके लिए आई टेस्ट के अलावा उनका जो भी नंबर आ रहा है वो भी फ्री है। ये टोटल 1 वीक के लिए 19 से लेकर 24 तक ये कैंप फ्री रहेगा और यही इसका इनाग्रेशन है। तो अल्लाह का करम ये है कि मैं पर्सनली डॉक्टर हिदायतुल्ला साहब को काफ़ी सालों से जानता हूँ। अल्लाह सुबहानहु तआला ना इनसे बहुत ज़्यादा खिदमत दे रहे हैं। अल्लाह का करम ये है कि ऐसे कोई हजरात जो एफर्ट नहीं कर सकते उनको मिनिमम उसके अंदर भी डॉक्टर साहब अपना जो भी तरीके से इलाज करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सुबहानहु तआला ने इनके हाथ में शिफा दिया है। ये आँख के ऑप्टोमोलॉजी डॉक्टर है, अल्लाह का करम है, काफ़ी नाम भी है। तो आपने ये महसूस किया कि ऐसी लोकेलिटी के अंदर एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डालना चाहिए जहाँ पे हमारे लोगों को ज़रूरत हो। मुझे पक्का यकीन है ये मीना हॉस्पिटल न सिर्फ अच्छे से सर्विस देगा बल्कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट आकर एडमिट होंगे, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत याबी के साथ यहाँ से अपने घर वापस ले जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करिए घर का फैमिली मेम्बर कोई एक भी अगर बीमार हो जाता है तो पूरी की पूरी फैमिली मुतासर हो जाती है। मगर तकाजा ये है कि अगर फ़र्ज़ करिए दुनिया के दस्तूर के साथ साथ कुदरत का निज़ाम भी है, इंसान को तबीयत आगे पीछे होती है, हादिसात भी होते हैं, ये तमाम चीज़ के लिए इमीडिएट अपने को हॉस्पिटल रश करने की ज़रूरत पड़ती है।
वैसे टाइम के ऊपर आपने एक अच्छा इकदाम उठाया है। मैं डॉक्टर साहब को और इसके तमाम कुलिक डॉक्टर्स को मुबारकबादी देना चाहता हूं और इसके अंदर जितने भी जिम्मेदार हैं उनको मुबारकबादी देते हुए कहना चाहता हूं इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुबहाना व ताला आपको खिदमत के लिए चुना है, इसके लिए अल्लाह सुबहाना व ताला ने यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल आपको बनाने की न सिर्फ हिदायत दी है तौफीक दी है, इसमें आपको ज़रूर न ज़रूर अल्लाह न सिर्फ बरकत देगा बल्कि आपकी खिदमत को कबूल भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।